पिछले 5 दिनों से लगातार चकराता वन प्रभाग के द्वारा कनासर रेंज के बुधेर 2 बीट में सर्च अभियान कर अवैध लकड़ियों को जब्त किया जा रहा है। अब तक लगभग 2.5 से 3 हजार प्रतिबंधित प्रजाति देवदार और कैल के नग जब्त किए गए हैं। बताते चले कि डीएफओ चकराता कल्याणी राणा की अगुवाई में टीम द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही से वन माफियाओं में हड़कंप सा मचा है। वहीं जौनसार बाबर क्षेत्र के आम जनमानस में लकड़ी की इस अवैध तस्करी के लिए स्टॉक की गई देवदार की लकड़ी की भारी मात्रा में के खुलासे के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर विश्वसनीयता और बड़ी है और चकराता वन प्रभाग चकराता की कर्मठ प्रभागीय वन अधिकारी कल्याणी राणा के नेतृत्व में की जा रही बड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई से आम जनमानस में जंगलों को बचाने की आस जगी है। एक और जहां लंबे समय से चकराता क्षेत्र के जंगलों में अवैध पातन एवं लकड़ी की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं, परंतु तत्कालीन अधिकारियों द्वारा इन जंगल माफियाओं के विरुद्ध कोई उचित एवं ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते इनके हौसले बुलंद होते चले गए। विगत कई महीनों से जब एकाएक वन तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिस पर कुछ संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से वन विभाग से कार्रवाई की मांग की गई, अवैध पातन और लकड़ी की तस्करी के इस बढ़ते हुए मामलों में कोई उचित कार्रवाई होती न देख मीडिया की एक टीम द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर परत दर परत खुलासा कर वन विभाग की कार्रवाई करने को मजबूर कर दिया गया। चकराता वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी मुकुल कुमार के अनुसार आज दिनांक तक कनासर रेंज के अंतर्गत राजानु विंसौन और मसक में वन विभाग द्वारा 2600 से अधिक अवैध रूप से स्टॉक कर रखी गई देवदार प्रकाष्ठ व कुछ कैल प्रकाष्ठ की लकड़ी बरामद की गई है, जिन्हें जब्त कर कनासर रेंज के कार्यालय लाया गया है। वहीं वन विभाग के द्वारा आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। चकराता वन प्रभाग के डीएफओ खुद कनासर रेंज के अंतर्गत की जा रही इस कार्रवाई और छापेमारी पर खुद नजर बनाए हुए है। इस पूरे प्रकरण को लेकर हम आपको पल पल की घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए उत्तराखंड समाचार।